सरकार को सचेत करते रहे हैं कि बाढ़ को देखते हुए और कोरोना को देखते हुए जो इंतज़ाम सरकार को करना चाहिए था, जिस प्रकार से डिज़ास्टर मैनेजमेंट करना चाहिए था, उसमें पूरी तरीके से सरकार जो है फेल नज़र आई। और आप तो देख सकते हैं उदाहरण के रूप में कि NMCH के डायरेक्टर को जो है बिहार सरकार ने हटा दिया। क्यों हटाया? क्योंकि उन्होंने सरकार के पोल को खोला है, सेंट्रल की जो टीम आई थी 3 सदस्य, उस वजह से। अब बाढ़ का जो विकराल रूप जो लेता जा रहा है, सारी नदियां, चाहे कोसी का इलाका हो, हिमाचल का इलाका हो, आपका बगहा का इलाका हो, सब इलाकों में जो है, नेपाल से जितना सीमा जो भी है अपना बॉर्डर का इलाका, वहाँ जो है भारी मात्रा में जल का स्तर जो है लगातार उसमें वृद्धि हो रही है। लगातार कई इलाकों से हमको सूचना मिल रही है कि जो छोटे मोटे जो पुल पुलिए थे वो टूटते जा रहे हैं, और उसको भी नदी का जो लेवल जो है वाटर लेवल वो क्रॉस कर गया है। तो ऐसी स्थिति में पूरा सिस्टम नीतीश कुमार अदृश्य है, कहीं नज़र नहीं आ रहे। और हम लोग सब लोग विपक्ष की दायित्व है, जिम्मेवारी है, और 3 अगस्त से विधानसभा भी चालू है, तो हम लोगों की जो जिम्मेदारी है उसको निभाना है, जाकर के देखना है, लोगों के दुख दर्द को जो है सामने लाना है और उनकी आवाज़ को बुलंद करना है, सरकार की कमियों को जो है सरकार के सामने हम लोग लाएंगे। आज आप रखी है बाढ़ पीड़ितों के लिए जो है कोई व्यवस्था नहीं की गई। दूसरी, जो दरभंगा का जो अस्पताल है DRMCH, दरभंगा मेडिकल कॉलेज जो है, वहाँ अस्पताल में घुस करके गुंडे लोग हमारे पार्टी के एक नेता की मौत मारने का जान लेने का काम करते हैं, रॉड से घुस करके बड़े तादाद में। आप बताइए, जो COVID-19 को लेकर के जो एडमिट था, हालांकि रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई थी उसकी, अस्पताल की ये है, अस्पताल में PMCH में रेप हो जाता है बच्ची के साथ। दरभंगा के अस्पताल में जो है हमारे कार्यकर्ताओं को कई गुंडे जो है अस्पताल में घुस करके मार देते हैं, प्रशासन जो है मौन है, कोई FIR दर्ज नहीं है, कोई गुनाहगार को पकड़ा नहीं गया है। जहाँ COVID-19 के पेशेंट जहाँ एडमिट हैं, वहाँ इस तरह की स्थिति बनी हुई है जहाँ गुंडे घुस करके मार रहे हैं। यानी कोई COVID-19 में कोई आइसोलेशन वार्ड में किसी को इजाज़त तो होता नहीं है जाने में, कैसे ये चलाएंगे गुंडे लोग? ये तो सरकार जो है पूरी तरीके से चुनाव में व्यस्त हो गई है, चुनाव की तैयारी कर रही है COVID-19 को लेकर के और बाढ़ को लेकर के। जो इनको लोगों का जान बचाना चाहिए था उसको इनको चिंता ही नहीं, कुर्सी अपनी कुर्सी की चिंता है। तेजस्वी जी, कोरोना के कारण देखिए स्थिति बदतर होती जा रही है, भयावह होती जा रही है। सुनील जी के परिजनों के प्रति हम संवेदना प्रकट करते हैं, हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। विधानसभा में हम लोग विधान परिषद में वो सदस्य रहे, और अचानक से हम लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, और कल अचानक से ये खबर मिली कि उनका जो है मृत्यु हो गया। बेहद ही दर्दनाक बात है, लेकिन आप बताइए ये स्थिति, अब मंत्री विधायक जब रिकवरी नहीं हो पा रही है, मृत्यु हो जा रही है, सरकार को गंभीर होना चाहिए। केंद्र से 3 सदस्य लोग आ रहे हैं, और यही BJP के लोग जो है चुनाव में लगे हैं। आप बताइए, हम तो बोल रहे थे लाशों के ढेर पे चुनाव कैसे होगा, इनके खुद के MLC का निधन हो गया COVID-19 की वजह से, और इस स्थिति में BJP को चुनाव की पड़ी है, नीतीश कुमार जी को चुनाव की पड़ी है, तो बेहद दर्दनाक बात है, और हम लोग तो लगातार इस बात को कहते रहे। तो ये तेजस्वी यादव थे, और इनका साफ तौर पर ये कहना। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।